फ्राइडे नाइट 6 बजे और अपना जामिंग शुरू, वीकेंड शुरू, वीकेंड का प्लान शुरू। तो आज हम लोग का जामिंग का प्लान है प्रिपरेशन फॉर द इवेंट। जामिंग का हम हमेशा करते हैं तो इस पर थोड़ा फोकस्ड होगा। चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज सैटरडे का आफ्टरनून है, मतलब इवनिंग होने वाला है। 6 o'clock हो चुका है और थोड़ी उठा, थोड़ी देर सो गया था। कल ना कल हम लोग बहुत देर तक जामिंग करते रहे, रात को करीब 2:30 बजे लौटा और उसके बाद ना नींद आ नहीं रही थी। और आपको पता है जब OTT प्लेटफॉर्म खुलता है तो आदमी की नींद खराब होती है। सुबह 4 बजे सोया, 7 बजे उठ गया, उसके बाद कुछ करता रहा। आज गुरु जी का क्लास भी होता है तो गुरु जी का क्लास किया अच्छे से, अच्छा हुआ क्लास, और नई नई राह कुछ सीखी है तो मज़ा आ रहा था। और उसके बाद आज ऊपर में कुछ कुछ काम थे, काम निपटाए, और उसके बाद राज भाई का बर्थडे भी था तो आज राज भाई के बर्थडे पर गए थे। राज भाई ने पूजा और रखा था तो वो भी देखा, प्रसाद से लेकर आए वहाँ से। उसके बाद में इतनी तेज़ नींद आई, इतनी तेज़ नींद आई कि सो गया। ऑब्वियसली जब नहीं सोऊंगा रात को तो दोपहर में नींद आएगी तो सो गया। हालांकि 5 बजे जामिंग का प्लान था तो मैं झटके से नींद खुली 4:45 बजे और उठ के बैठ गया। हालांकि मैं प्लान जामिंग थोड़ा पोस्टपोन हो गया, थोड़ा लेट होगा। तो एनीवेज अभी बैठा हुआ था और कुछ कुछ कर रहा था, ऑफिस का ही कुछ कुछ काम निपटा रहा था। सो अभी देखूंगा, अभी कुछ कुछ काम निपटाऊंगा और बैठ के फिर म्यूज़िक करूँगा। यहाँ पर बैठ के यहाँ पर लग जाऊँगा और आज सोचना थोड़ा सा रियाज करूँगा बैठ के अपने इस पर, और अरेंज करना मुझे ये फोल्डर पूरा अरेंज करना। देख रहे हो फोल्डर है ना मेरा, पूरा क्लासिकल म्यूज़िक का फोल्डर है पूरा, अभी चित्र आ गया। अच्छा, इतने सारे मैंने इसमें वो डाल दिए ना डॉक्यूमेंट्स, राग के और सब के क्या कहते हैं बंदिश है, अलग अलग तरह की बंदिश है, अलग तान है, अलग तरह के राग हैं, राग के परिचय है, बहुत तरह कुछ है। तो अभी क्या है वो पूरा भर गया है, 3 साल का कोर्स पूरा इसमें अभी है। तो उसको मुझे सोच रहा हूँ कि 1-2 साल का कोर्स अलग कर दूँ, 2 साल का कोर्स अलग करके रखूँगा ताकि फिर हम उसको वापस से नए नए चीज़ों से भर के वापस उसको यूज़ कर पाए। तो यही करना है, आज यही प्लान है मेरा, उसको बैठ के अरेंज करूँगा। चलिए फिलहाल तो कुछ म्यूज़िक लगाते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं। कुछ आज गज़ल सुनने का बहुत मूड हो रहा है तो आज हरिहरन जी के गज़ल सुनेंगे और फिर कुछ काम करते रहेंगे। जैसा कि पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को कि वीकेंड तो मुझे अपना कुकिंग करना बहुत पसंद है और कुछ नए डिशेज ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखो कुकिंग का शौक़ है मुझे। बहुत ज़्यादा कुकिंग तो करता नहीं हूँ लेकिन मैं जब भी टाइम मिलता है कुछ टाइम निकल के कुकिंग करने ही लेता हूँ। तो आज वीकेंड था तो छोटा कि सबको हेल्प देते हैं और टेक ओवर करते हैं किचन को आज। तो आज मैं बनाऊँगा चिकन और चिकन बिरयानी भी बनाऊँगा, चिकन करी बनाऊँगा और चिकन बिरयानी। चिकन करी जो बनाऊँगा वो चिकन मसाला करी बनाऊँगा, आज बड़ा चिकन नहीं बनाऊँगा, और साथ ही साथ में बिरयानी भी बनाऊँगा। फिलहाल मैं थोड़ा चिकन बना लूँ, उसके बाद उसकी यूज़ करके चिकन बिरयानी की तैयारी शुरू करूँगा और वो बनाऊँगा। आपको मैं आवाज़ से दिखाता हूँ क्या बना रहा हूँ। देख रहे ये चिकन लाया था ना, ये चिकन पूरा बन जाएगा, इन्हीं के पीसेस को यूज़ करके बिरयानी बना लेंगे। सो दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे। वीकेंड में मुझे नॉर्मली बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं कुक के हाथ का खाना खाऊं, मुझे अपने हाथ का खाना बनाना पसंद है, चाहे मम्मी बनाए, चाहे मैं बनाऊँ, चाहे घर का कोई बनाए, क्योंकि कुक कुक ऐसे भी नहीं आती उस दिन, और अच्छा भी है, मैं खुशी रहता हूँ। बल्कि अगर आती भी है तो मैं एक दिन छुट्टी करता, कई बार मैं सैटरडेज को ऑफ कर देता हूँ कि आप आज भी जाओ छुट्टी जाओ, आज अपने खुद से बनाते, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कई बार पिकनिक पर भी चले जाते हैं और कई बार घर का खाना बनाने के खाने के भी मन होता है। जैसे लास्ट वीकेंड हमने किया था पाव भाजी बनाया था, उसके अगले वीकेंड डोसा वगैरह बनाया था, इस वीकेंड ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया। सुबह तो सुबह छोले पूड़ी वगैरह बना था, छोले भटूरे बना था, इनफैक्ट पूड़ी तो नहीं, छोले भटूरे बना था, आपको दिखा नहीं पाया, मैं कवर करना भूल गया। बट अभी बनाऊंगा चिकन। सो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ आप भी अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें करो ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में, और फैमिली को भी खुशी मिलती है। ज़्यादा बात करोगे ना चिकन जल जाएगा, क्या उसको ढक के बनाना। सो ये हमारा चिकन तैयार हो गया। अब बिरयानी का प्लान तो कैंसिल हो गया, बिरयानी का प्लान इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि आशी का मन था बाहर से बिरयानी खाने का, तो मैंने बोला कि ठीक है फिर बाहर से मांगे खा लो, फिर बाकी सब चावल खा लेंगे नॉर्मल, तो चेंज करके प्लान, चावल रोटी चल जाएगा, फिर चिकन तो बन गया।
सुबह से ना जुकाम सा लग रहा है, मतलब नाक में ना इरिटेशन हो रहा है, तभी दवाई खाई है। एक दवाई अभिषेक भाई ने दस किया था, वो किया है सुबह फिर से। ये मुझे फ्राइडे को भी हुआ था, मतलब सैटरडे मॉर्निंग हुआ था, फ्राइडे नाइट से शुरू हुआ था, सैटरडे मॉर्निंग काफ़ी लग रहा था, तब भी लिया था वो दवा। अब आज भी लिया है, देखते हैं। मंडे है वैसे तो, देखते हैं मंडे को भी क्या पड़ रहा है। तो नाक रुक गया, वरना तो स्ट्रीजिंग हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, देखते हैं वो जाना चाहिए। ठीक है, चलो फिलहाल आशी को लेके आते हैं, वो नहीं पता है। हेलो फ्रेंड्स, सो आज मंडे सॉरी ट्यूसडे शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे लगता फीवर हो गया थोड़ा सा, बट इट्स स्टिल ओके। मतलब छोटे छोटे फीवर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी बचपन से आदत है जब तक हाई फीवर ना हो तब तक मैं दौड़ता रहता हूँ क्योंकि बीमारी और मेरा 36 का आंकड़ा है। आई एम श्योर आप लोग भी नफरत करते हो बीमारी से, हर कोई करता है यार, किसी को चाहिए बीमारी। तो अभी बस बैठा देख रहा, आवाज़ मेरा निकल रहा है। ये मैं लीस्ट पॉसिबल चीज़ था जो मैं चाहता था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि अभी हमारा शो होने वाला है और ये नहीं चाहता था। फिर भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम देयर, एंड शायद मैं पहले ही रिकवर कर जाऊँ, बहुत पहले रिकवर कर जाऊँ। रिकवर तो मैं उस समय तक कर जाऊँगा, लेकिन बहुत पहले रिकवर करने की कोशिश करूँ ताकि मैं अपना प्रैक्टिस जारी रखूँ। तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, इस शो ज़बरदस्त होना ही है ना। मेरी अभी शाम के वक्त पर ना थोड़ा सा धूप लिया, मतलब बैठा हुआ था, धूप कमरे में आती है ना तो धूप हटा के बैठा हुआ था। ये कर्टन सारे हटा दिए ताकि धूप अंदर आए और मुझे शरीर पर लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना आपके बॉडी में विटामिन नहीं मिलता, क्योंकि कई बार आपके विटामिन सी वगैरह जो सन से मिल सकती है वो नहीं मिलता, विटामिन डी विटामिन सी। तो मुझे को कोशिश करना चाहिए कि हमेशा हम लोग धूप में थोड़ा सा निकले ताकि फ्रेश एयर भी मिले और धूप भी मिले, ये बहुत ज़रूरी है दोनों को। लंग्स के लिए फ्रेश एयर ज़रूरी है, जो कि लंग्स को खोलता है, लंग्स के अंदर की जो सिकुड़न होती है ना उसको दूर करता है। और धूप स्किन के लिए, आँखों के लिए, बाल के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे जो विटामिन मिलते हैं वो कहीं किसी और चीज़ से नहीं मिल सकते। सो ऑलवेज इंश्योर कि आप प्रॉपरली इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हो। चलो फिलहाल तो बैठते हैं, कुछ करते हैं, धूप भी जाने वाला है, ख़त्म हो गया, दिखाता हूँ। एकदम थोड़ा सा बच्चा है इस बिल्डिंग के पीछे चुप, देख रहे हो धीरे भी चला जाएगा धूप। बच्चों के बिना ना इंसान क्या क्या करता है ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। बेचारा अपना ऑफिस छोड़ के अपने बच्चों को खिला रहा है वहाँ पर, शायद घर पे खाना नहीं खा रहा होगा, छोटा सा बच्चा है इसको वहीं पर खिला रहा है। क्या हाल करते हैं बच्चे कभी कभी हमारा, पता नहीं शायद जिस दिन मैं पेरेंट बनूंगा तब समझूंगा इस चीज़ को, लेकिन अभी मुझे लगता है बहुत इरिटेशन लगता है कि मैं अभी इतना टाइम नहीं निकाल सकता। कि डिसिप्लिन करने की बात है, मेरे को बहुत लगता है कि बच्चों को डिसिप्लिन करो ताकि वो अपना पर, वो तो बहुत छोटा बच्चा है। बट ऐसे नॉर्मली मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे ना बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, सो उनको डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। 90s kids were the best। क्या बोलते हैं आप लोग ही बोलो, कमेंट करके बता रहे हैं। आर 90s kids बेटर देन टुडेज kids और आज के kids बेटर है 90s kids से, कमेंट करके बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, केम छो, खमागनी, माय वेरी गुड फ्रेंड्स, अभिषेक, वेलकम बैक टू माय पैशनेट वर्ल्ड। अभी सोचोगे कहाँ चला गया हूँ मैं, आई नो काफ़ी बीमार हो गया था बीच में, और बीमार तो फीवर वगैरह हो गया था और जुकाम, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, आवाज़ बहुत भारी हो चुकी है, नज़ल वॉइस आ रही है। सो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था इधर और एकदम ही हिम्मत नहीं हुई कैमरा उठाने का, क्योंकि सर में दुख रहा था, कफ़ हो गया, बहुत ज़्यादा कफ़ हो गया, अभी भी कफ है, अभी कफ निकला नहीं है पूरी तरह, और उसके अलावा फीवर वगैरह भी हो रहा था। तो मेरे को लगा कि यार इससे बेटर है कि कुछ करूँ, इससे अच्छा रेस्ट ले लेता हूँ, रिकवर कर जाऊँगा जल्दी तो कुछ कर भी पाऊँगा, नहीं तो फिर पता चला कि मैं फीवर में बैठा रहूँगा और फिर बहुत लंबा खींचते जा रही है सिलसिला। तो मैंने अभी इस पूरे वीक में ऑफिस भी नहीं किया हूँ और थोड़ा रेस्ट लिया हूँ और कैमरा भी नहीं उठाया है, बिल्कुल शूट नहीं किया है, तो आपने देखा और इसलिए आप मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। लास्ट ब्लॉग मैंने लास्ट वीकेंड डाला था, उसके बाद मेरे ब्लॉग आ ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा बिजी हो गया था, एक तो फीवर की वजह से, ऑफिस में काम भी था तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। सो अब वापस आ गया हूँ, यही लोग आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट हो रहे हुए कि यार कहाँ चला गया, कुछ भी ब्लॉग नहीं डाल रहा है, कुछ भी बताता नहीं अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में। मैं
अब आप लोग से बात कर सकता हूँ। आई एम बेटर नाउ, आई एम इन गुड कंडीशन नाउ, बेटर देन बिफोर। मैंने पूरी तरह अच्छा तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन बेटर देन बिफोर। एटलीस्ट आपके लिए मैं कैमरा उठा के बात कर सकता हूँ, स्लाइड हो चुका हूँ, तो अब आपसे बात करूँगा। सो वेलकम गाइज टू द चैनल। और आप लोगों को पता ही है कि अभी सारा फोकस अभी जो है अपने नेक्स्ट शो पर है, जो कि हम लोगों ने अनाउंस कर रखा है 30th मार्च के आसपास। तो 30th मार्च को लोग शो करने वाले हैं और धमाकेदार शो होने वाला है। कुछ कुछ प्रिपरेशन किया है, ऑलमोस्ट सारा धारा तैयार हो चुका है, सारा जो कितना प्लानिंग हो चुकी है, बहुत सारे फॉर्मेटेशन कॉम्बिनेशन यार, बहुत सारे फॉर्मेटेशन। इस बार जितना फॉर्मेटेशन कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किया ना, वी नेवर ट्राइड इट बिफोर। इतना सारा स्क्रैप ऑफ हुआ है चीज़ें, और अभी भी कुछ कुछ चीज़ें जो फाइनल से लोग रखता है यार अभी ये करते करते, मैं बोला नहीं अब फोकस करो, अब जो प्लान हो चुका है उसको फोकस करते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ और कर लेंगे, पर अभी जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसको कर लेते हैं। सो ऐसा प्लान हो रहा है। सो और साथ ही साथ मेरा कुछ अपना म्यूज़िक वाला भी चैनल थोड़ा सा लो हो गया था, क्योंकि अभी कुछ कर नहीं पा रहा था उस तरफ भी। और एक बदल साहब मैंने बताया था कुछ गानों पे काम कर रहा था, पर वो स्क्रैप ऑफ होते जा रहे थे, तो उस पर ही फोकस करना है। और मैंने प्लान तो था कि मैं शिवरात्रि पर एक गाना निकालूंगा, पर वो भी नहीं आ पाया। सो अभी देखता हूँ धीरे धीरे करके, आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी मेरे म्यूज़िक चैनल पर भी, मेरे सप्तक चैनल पर भी, क्योंकि सप्तक में भी हम लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, जो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। और साथ ही मेरे इस चैनल पर, ये तो ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे सैटरडे है आज, और एक्चुअली येलो येलो डाला हुआ है। अभी लोग जा रहे हैं तो बैंक, मम्मी का कुछ काम है, और साथ में देखो ये सब लेके जा रहे हैं। अभी ये है मेडिकल के पैकेट, दिख रहा है आपको, लेकिन मेडिकल पैकेट नहीं है ये। ये बेसिकली हमने क्या किया था ना, लास्ट सरस्वती पूजा पर एक पूजा कराया था घर में, और उसमें पंडित जी ने कलश लिया था कि इस कलश को आप लोग घर में रखना और एक साल बाद विसर्जन करना, तुरंत विसर्जन मत करना। वो तब से पड़ा हुआ है, खुल जा भाई, वो तब से पड़ा हुआ था, तो सोचा कि आप इसको विसर्जन कर देते हैं, तो इसलिए आज इसलिए जा रहे हैं। एक साल से ऊपर हो गया वैसे तो विसर्जन करेंगे, क्योंकि पूजा का सामान ज़्यादा दिन घर पर नहीं रखते हैं, विसर्जन का सामान। यहाँ पर हम लोग विसर्जन करने आए थे, विसर्जन कर दिया। पूजा का जो था पुलथिन नहीं फेंकेंगे, पुलथिन तो घर ले आके फेंकेंगे। पूजा का सामान डाल दिया, मम्मी का मन था, मम्मी भी जाके देखे तो मम्मी भी आई थी। मम्मी क्या ना, पूजा का सामान बहुत दिन तक रखना नहीं चाहिए। सो पूजा वाला ऐसे भी घर में फूल हो, प्लांट हाँ, सूख जाए तो उसको हटा देना चाहिए। तो हम तो बाबा तो हटा दे, उसको बीज के काम में।